हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच ईवीएस लेसन फर्स्ट आवर बॉडी। हमारी बॉडी है जो एक मशीन की तरह होती है, जिसके अनेक पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स अपना अपना वर्क करते हैं और सभी हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे लेग, हैंड, हेड, आर्म, नेक, ईयर्स, नोज, ये सभी अपना अपना कार्य करते हैं। हमारी बॉडी में टू पार्ट्स होते हैं मेन, एक्सटर्नल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स वो होते हैं जो देखे जा सकते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, और जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी। तो आवर बॉडी के हमारे टू पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स सेकेंड, इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और इंटरनल पार्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब हम करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में फर्स्ट पॉइंट आता है आई। हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं। आई, जिसे हम देख सकते हैं और हम इम्प्रेशन ला सकते हैं, अपने आई से हम अपने चेहरे पर इम्प्रेशन ला सकते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम आई से अपने भाव चेहरे पर ला सकते हैं, हम खुश होते हैं तो वो भी हम अपने भाव चेहरे पर ला सकते हैं और हम अपने आसपास की चीज़ें सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स कान, हमारे जो कान होते हैं उससे हम अपने आसपास की जो भी वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है नोज। नोज से हम स्मेल लेते हैं, अलग अलग तरह की, हमें कोई अच्छी खुशबू आती है तो भी हमें अच्छी लगती है और बुरी स्मेल आती है तो वो भी हमें स्मेल आ जाती है, और नोज से हम ब्रीदिंग भी करते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट है टंग। टंग मीन्स जीभ से हम टेस्ट लेते हैं अलग अलग चीज़ों का। खट्टा, तो हम जो भी खाते हैं अगर हमें खट्टा लगता है तो उसका खट्टा टेस्ट आता है, अगर हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसका मीठा टेस्ट आता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन से हम मौसम के अनुसार ठंडा, गर्म महसूस करते हैं। अगर सर्दी होगी तो हमें ठंड महसूस होगी, अगर गर्मी होगी तो हमें गर्म महसूस होगा। नेक्स्ट है लिम्स। लिम्स टू टाइप होते हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। अपर लिम्स, अपर लिम्स में हमारे हैंड, आर्म्स ये आते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, लिखते हैं, डांस कर सकते हैं, डांस में भी लेते हैं और भी बहुत से काम हम अपने
अपर लिम्स हैंड से करते हैं। लोअर लिम्स, लोअर लिम्स में हमारे आते हैं लेग और फीट, जो हम दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, चढ़ सकते हैं ऊपर, और इससे भी हम डांस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिम्स हो गए, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अब एक्सटर्नल ऑर्गन में हमारे मेन आता है हेड। ये तो हमारे फाइव ऑर्गन्स हो गए, सेंस ऑर्गन हो गए, आई, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन में से पार्ट्स में आते हैं। और एक्सटर्नल पार्ट्स में अब हमारे और भी मेन पार्ट है जिसमें आता है हेड। हेड जो होता है हमारी बॉडी का टॉप पार्ट होता है। इसके अंदर हमारे ब्रेन होता है जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारी जो भी दिशा निर्देश होते हैं, डायरेक्शन होती है, वो सब हमारे ब्रेन देता है। नेक्स्ट इसमें आती है चेस्ट। चेस्ट हमारी बॉडी का सबसे चौड़ा भाग होता है, और इसके अंदर हार्ट होता है। हार्ट से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है सारे शरीर बॉडी के अंदर, और हार्ट में लंग भी होते हैं, जिस लंग की सहायता से हम ब्रीदिंग मीन्स सांस लेते हैं। नेक्स्ट है नेक। नेक हमारे हेड को बॉडी से जोड़ती है, जॉइंट करती है, और हमारी बॉडी को, हेड को मूव करने में हेल्प करती है, जैसे अपने हेड से इधर उधर मूव कर सकते हैं। और वही फोर्थ पॉइंट हैंड्स आ गया। हैंड से हम, मैंने पहले भी बताया, हैंड अपर लिम्स में आया था, उससे हम खा सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और भी बहुत से काम कर सकते हैं। लेग्स, लेग से भी हम दौड़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और हमारे शरीर में जो होता है वो अनेक बोन्स जो होती है हड्डियों से बना होता है। जो ये बोन्स होती है वो हमारे शरीर को शेप देती है, अलग अलग शेप देती है। हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होती है। टोटल बॉन्स होती है। ये लेसन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। मेन पॉइंट फिर मैं आपको थोड़ा सा और बता रही हूँ इसमें। हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स आर इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बॉन्स गिव शेप ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। लंग्स आर द मेन ब्रीथिंग ऑर्गन। आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन। ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं। ये आपने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा भी होगा। अब लास्ट में मैं आपको होमवर्क पिक भेज दूंगी, जो आप नोटबुक पे अपना कर लेंगे और लेसन को अच्छे से रीड कर लेंगे। जो कुछ आपको समझ नहीं आए वो आपसे मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।